बारिश के बीच हरियाणा के गुड़गांव में लगा जबरदस्त जाम। कल शाम 6 बजे से जाम में फंसे हैं लोग। प्रशासन ने NH-8 पर नहीं जाने की हिदायत दी। गुड़गांव में स्कूलों में घोषित की गई छुट्टी। गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम का सबसे बुरा हाल। 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार। दिल्ली गुड़गांव के बीच रेंग रही हैं गाड़ियां। गुड़गांव में जाम को लेकर मुख्य सचिव कर रहे हैं बैठक। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए तोड़ दिया गया डिवाइडर का ग्रिल। लोगों का धीरज दे रहा है जवाब। गुड़गांव में जल भराव से फंसे कई वाहन। कुछ को क्रेन से निकालने की आई नौबत। मानसून की बारिश में दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल। DDU के पास धंस गई सड़क। दिल्ली भी जाम से जूझी। ITO पर लगा भारी जाम। भारी बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबत। बेंगलोर में भारी बारिश के बाद यमुनोर और बेलंदूर झील का पानी सड़क पर आया। दिखा समंदर जैसा मंजर। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा दोनों नदियां उफान पर। 100 गांव बुरी तरह प्रभावित। अमृतसर के छीटा कटरा में गिरी घर की छत। 2 बच्चों समेत 1 महिला की मौत। असम के में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं। 19 जिलों में सब कुछ पानी पानी। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे असम का दौरा। बाढ़ से हालात का लेंगे जायजा। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बदतर हुए बाढ़ के हालात। सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वे। प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के हरदोई में गंगा में उफान से कई गांवों में कटान का खतरा। नदी में समाया प्राइमरी स्कूल। लोगों का सुरक्षित जगहों पर पलायन। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। खेतों में पानी घुसने से फसल बर्बाद। मजीठिया के मानहानी केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली अग्रिम जमानत। 15 अक्टूबर को होगी केस की अगली सुनवाई। पंजाब के अमृतसर में कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने बादल सरकार पर बोला करारा हमला। उठाया ड्रग्स कारोबार का मुद्दा। मजीठिया पर पंजाब को नशे में डुबोने का आरोप लगाया। केजरीवाल के आरोपों के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचे विक्रमजीत सिंह मजीठिया। हरमंदिर साहब के किए दर्शन। फजिलका जिले के जलालाबाद जाएंगे केजरीवाल। पुलिस पिटाई के पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम। अगले महीने के 1 अगस्त से 10 दिन के नागपुर विपश्यना शिविर में जाएंगे केजरीवाल। 10 दिन तक मीडिया से रहेंगे दूर। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का महाआयोजन। लखनऊ के सबसे बड़े रमाबाई अंबेडकर ग्राउंड में राहुल गांधी के लिए बना कैंप। कार्यक्रम में मौजूद होंगे राज बब्बर, सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित समेत कई बड़े नेता। 150 नेताओं की क्षमता वाला बना है बड़ा मंच। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ जोरदार विरोध। पाकिस्तानी झंडा जलाने के साथ पाकिस्तानी नेताओं के पोस्टर पर पोथी गई कालम। बिहार में शराबबंदी को लेकर और सख्त बनेगा कानून। आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सरकार लाएगी संशोधन विधेयक। हरियाणा में भूमिगत सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज। महज 11 दिन में यमुनानगर के आदिबद्री क्षेत्र में कुरुक्षेत्र होते हुए कैथल पहुंचने का। सहारनपुर के GNG मॉल में एक शख्स ने बालकनी से लगाई छलांग। गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। एक लड़की से देर तक हुए विवाद के बाद मॉल में ऊपर से कूदा शख्स। छलांग लगाते वक्त मॉल में ही नीचे 2 सहेलियों के साथ बैठी थी लड़की। मॉल की बालकनी से नीचे गिरने पर लड़की युवक के पास पहुंची। उसकी जेब से मोबाइल निकालकर पहले चेक किया फिर अपने पास रख लिया। बागपत के दाहा गांव में पंचायत ने निकाह के बाद दहेज मांगने पर कराया तलाक। दूल्हे के परिजनों पर निकाह का खर्च देने का लगाया जुर्माना। भरतपुर में बारिश के मौसम में बढ़ी बीमारी की तादाद। RBM अस्पताल में रोज आ रहे हैं करीब 550 मरीज। इंडोनेशिया में नशे की तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाने वाले गुरदीप के परिवार से विदेश मंत्री ने फोन पर की बात। परिवार को दिया मदद का भरोसा। गुरदीप सहित 14 लोगों को मिलनी है मौत की सजा। 4 को गोली मारी जा चुकी है। गुरदीप पर सस्पेंस बरकरार। लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग करने वाले BJP कार्यकर्ता शिव प्रताप सिंह को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्षद आसिफ कानों का विरोध। कहा मेरे वार्ड में विकास करो या फांसी लगा दो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने जयारोग्य अस्पताल में किया हंगामा। नेत्र कान के आरोपी डॉक्टरों की बहाली का विरोध। सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का वीडियो। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद आतंकी संगठन ने तैयार किया नया नेटवर्क।
जम्मू कश्मीर के नौगांव से जिंदा पकड़े गए आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली से दिल्ली में पूछताछ, बताया इस साल जून में लश्कर के दो आतंकियों के साथ की थी घुसपैठ। आतंक को लेकर पाकिस्तान का नया डोजियर सौंपेगा भारत, सैफुल्ला बहादुर अली के खिलाफ भी होंगे सबूत। बुरहान वानी के एनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी बुरहान के छिपे होने की जानकारी, बीजेपी ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान से तनातनी के बीच 4 अगस्त को इस्लामाबाद जाएंगे गृहमंत्री, पाकिस्तान से हो सकती द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली में ट्रक से बाइक की टक्कर में दो की मौत, एक घायल, बाइक पर सवार थे 3 नौजवान। आगरा में सीवर लाइन के लिए बने गड्ढे में जा गिरा एक युवक, लोगों की कोशिश के बावजूद नहीं बच सकी जान। आपुन में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से एक कर्मचारी और किसान की दर्दनाक मौत, मरम्मत के दौरान बिजली सप्लाई से हादसा। यूपी के मिर्जापुर में बुजुर्ग दंपति ने ट्रेन से कटकर दी जान, पड़ोसियों के मुताबिक हिरासत में गुम बेटी को लेकर पुलिस के रवैये से थे परेशान। अगरतला में बेकाबू कार ने चार को कुचला, एक यात्री की मौत, विरोध में हिंसक प्रदर्शन। भोपाल की जिला कोर्ट में बम की धमकी भरी कॉल मिली, पुलिस ने शुरू किया गहन तलाशी अभियान। शादी के टोटके के लिए महिला बनकर टहलने वाले मुर्तजा नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूरी तरह महिलाओं के लिबास पहनकर बुरके में घूमता था मुर्तजा, हो रही है पूछताछ। संगरूर के एक गांव में हुआ रिश्तों का कत्ल, दो सगी बहनों के साथ मौसा पर लगा बलात्कार का आरोप, केस दर्ज। पाली के मारवाड़ जंक्शन पर दिखा अनाज की बर्बादी का नजारा, एफसीआई गोदाम से आया गेहूं बारिश में भीगकर हुआ बर्बाद। बुलढाणा के एक गांव में क्लास 1 अफसर रह चुके साहिब राव ने की खुदकुशी, 35 पन्ने के सुसाइड नोट में बहु समेत 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न, कानून के बहाने परेशान करने का लगाया आरोप।